हरियाणा के छात्रों में सामाजिक गुण डालने व उनकी आदतों को सुधारने के उद्देश्य से कक्षा 6 से नैतिक शिक्षा अब हर कक्षा में पढ़ने को मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने आज प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नैतिक शिक्षा में बच्चों को गीता के 18 अध्याय पढ़ने को मिलेंगे। अध्याय के साथ महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, परम प्रतीक सांस्कृतिक मूल्यों व पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी बच्चों को जानने का मौका मिलेगा। ये प्रश्न 10 नंबर के होंगे। बता दें, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह के अनुसार कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को अब नैतिक शिक्षा के गुण दिए जाएंगे। उन्हें न केवल गीता का ज्ञान दिया जाएगा, साथ ही आजादी के बाद का इतिहास भी उन्हें वर्ष 1997 तक का हरियाणा में पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसकी किताबें भी जल्द ही बच्चों के हाथों में होंगी। बोर्ड स्कूलों को ये किताबें कम कीमत में उपलब्ध करवाएगा। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि नैतिक शिक्षा का सिलेबस हिंदी या संस्कृत के अध्यापक पढ़ाएंगे। ये प्रश्न 10 नंबर के होंगे। बोर्ड चेयरमैन के अनुसार कक्षा 6वीं में गीता के पहले 3 अध्याय होंगे, 7वीं में 4 से 4 तक के अध्याय होंगे। इसी प्रकार हर कक्षा में 3-3 अध्याय पढ़ने को मिलेंगे और कक्षा 12 में 18 के 18 अध्याय पढ़ने के बाद फिर से वे सभी अध्याय शामिल होंगे। पुस्तक में गीता के 16, 17, 18 तीनों अध्याय इसमें दिए गए हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में उनकी जीवनी दी गई है, वीर सावरकर की, महारानी अहिल्याबाई होलकर की, वैदिक धर्म के स्वरूप, विश्व बंधुत्व मानवता, अशफाक उल्लाह खां के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में विद्यार्थियों को बताया गया ताकि अपनी भारतीयता का बोध विद्यार्थियों को हो सके। और इसी प्रकार 12वीं की जो पुस्तक है उसमें 18 श्लोकी यानी कि 18 श्लोक में पूरी गीता को समझाया गया है विद्यार्थियों के लिए। और इसमें विशेष बात हवलदार अब्दुल हमीद, जिन्होंने अपने शरीर पर एटम बम बांध करके और पाकिस्तान के टैंकों को उड़ाया था, उसके बारे में विस्तार से विद्यार्थियों को दिया गया है। विज्ञानाचार्य डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में दिया गया है, महात्मा बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत के बारे में दिया गया है, लोहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल, हेमचंद्र विक्रमादित्य के पानीपत की दूसरी लड़ाई में किस प्रकार यदि हेमचंद्र जी को तीर ना लगता तो भारत का इतिहास अलग ही होता, अकबर देश का राजा ना बनता। तो इस प्रकार की नैतिक शिक्षा में अपने बालकों को ज्ञान देने के लिए हमने किया है। तो प्रत्येक विद्यालय से मैं आग्रह भी करूँगा, निवेदन भी है कि भी नैतिक शिक्षा की पुस्तकें बोर्ड के जो हमने 80 अपने एजेंट बनाए उनके पास और बोर्ड के 5 क्षेत्रीय कार्यालयों पर 20% लेस के साथ कोई भी विद्यालय अपना लेटरपैड ला कर के ले सकता है। इतिहास के बारे में दूसरा विषय कि हमने 6ठी से लेकर 10वीं तक का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इतिहास की पुस्तकों में परिवर्तन किया गया है और नई पुस्तकों में सरस्वती सिंधु सभ्यता को संपूर्णता के साथ छात्रों के सामने रखा गया है। पहले एक हिंट था कि हमारी सिंधु सभ्यता है, तो सरस्वती सिंधु सभ्यता को हरियाणा के विद्यार्थियों को विशेषकर से बताने के लिए इसमें दिया गया है। और पहले पुस्तकों में प्राचीन भारत के विवरण को बहुत छोटा दिखाया गया था, केवल एक पहरे में या सतही रूप से दिखाया गया था, लेकिन जो नई पुस्तकें आई हैं कक्षा 6ठी 7वीं दोनों में प्राचीन भारतीय समाज के बारे में, उसके शासन, कला, साहित्य, विज्ञान, उपलब्धियाँ, क्योंकि जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती हैं तो उनका सर्वनाश निश्चित है, इसलिए अपनी पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए इन पुस्तकों का किया गया है। इन्हीं नई इतिहास की पुस्तकों में भारतीय वीरों की जानकारी को प्रमुखता से दर्शाया गया है।